वेलकम बैक इन दिस सेशन हमने देखा ई टू इंस्टेंस स्पॉट इंस्टेंस एंड स्पॉट फ्लिट कैसे कन्फ्यगरेशन करते हैं कैसे काम करते हैं उसका डिटेल देखा इस uh, सेशन के अंदर हम उसके कंसोल में जाके uh, कैसे कन्फ्यूगरेशन करने के बाद लॉन्च करते हैं वो भी देखेंगे सो so, स्टार्ट करते हैं तो ये मेरा ए डब्ल्यू एस कंसोल है मैं जाता हूँ ई टू इंस्टेंस कंसोल पे एंड इसी टू इंस्टेंस कंसोल पे यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड अंडर इंस्टेंस आपको मिलेगा स्पॉट रिक्वेस्ट uh, ये न्यू डैसपोर्ड है न्यू यू के साथ अगर आपको ओल्ड चाहिए तो आप जैसे इसको डिसेबल करोगे तो ओल्ड वन मिल जाएगा पूरा यू चेंज हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हो बट अभी हम न्यू के साथ जाएंगे क्योंकि न्यू ही परमानेंट आगे जाएगा सो दिस कन्फ्यूगन न्यू वन है एंड यहाँ पर आप जैसे आप देख सकते हो कि प्राइजिंग हिस्ट्री आपको जो मैंने बोला था कि कैसे आपको सर्च कर सकते हो तो यहाँ पे उसके क्राइटेरिया देखने के बाद जैसे कि लिनक्स इनक्स है इंस्टेंस टाइप है एंड डेट जो रेंज है जैसे कि मेरे थ्री मंथ्स का रेंज दोगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट प्राइजिंग मिलेगा यहाँ पे यू एस ईस्ट ईस्ट वन जो वन ई है मतलब वन ई अवेलेबल जो है उसका प्राइस आप देख रहे हो वो बढ़ रहा है जिसकी इसका बीडिंग बढ़ रहा है सो ये लास्ट थ्री ईयर्स में भी आपको यही दिखाएगा किसका कंटिन्यूस हाई है जो वन का है रेस्ट आप देख सकते हो वन ए वन बी और वन डी का सेम स्टेडी जा रहा है जो प्राइस आप देखते हो जीरो पॉइंट जीरो टू नाइन नाइन टू नाइन फाइव टू नाइन फोर है एंड वन का जीरो पॉइंट जीरो फोर है सो so यहाँ पे डिफरेंट प्राइजिंग बैंड देखें लेकिन आप ऑन डिमांड का प्राइस देखोगे तो वो ऑलमोस्ट हाई है आप देख सकते हो यहाँ पे सो जीरो पॉइंट वन जीरो के ऊपर है तो मतलब आप डिफरेंस देख सकते हो जैसे सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट डिफरेंस यहाँ पे मिल सकता है सस्ता वाला सो यहाँ पे आप प्राइसिंग डिटेल देख सकते हो स्पॉट इंस्टेंस रिक्वेस्ट पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ जहाँ पे अपने को तीन टाइप ऑफ यूज केस है जैसे कि लोड बैलेंसिंग वर्कलोड के लिए है बिग डेटा वर्कलोड के लिए फ्लेक्सिबल वर्कलोड लोड के लिए तो यहाँ पे कन्फ्यूगेशन जो नॉर्मल हमने जैसे बोला कि ऐसे रहेगा बट यहाँ पे जो जैसे मतलब हमारा जो प्रॉब्लम था कि स्पॉट इंस्टेंस के अंदर कोई दूसरा बंदा अपने से ज़्यादा बीट करता है तो अपने इंस्टेंस के लिए दो मिनट का ग्रेसिंग टाइम मिलेगा अपने के पास दो ही ऑप्शन रहते हैं या तो इंस्टेंस को टॉप स्टॉप करो या तो टर्मिनेट करो तो वो प्रॉब्लम से बाहर आना है उसको सॉल्व करना है तो आप डिफाइन ड्यूरेशन वर्कलोड दे सकते हो जिसको हम स्पॉट ब्लॉक बोलते हैं तो स्पॉट ब्लॉक के लिए मिनिमम रेंज वन टू सिक्स आवर्स है तो यहाँ पे आप वन आवर और सिक्स आवर दे सकते हो तो सिक्स आवर तक आपको इंस्टेंस आपको मिलेंगे जहाँ पे वो दो मिनट वाला प्रॉब्लम नहीं होगा मतलब स्पॉट जो मतलब फोर्स टर्मिनेशन और स्टॉप नहीं रहेगा यहाँ पे इंस्टेंस लॉन्च टेम्पलेट आप कन्फिग्रेशन कर सकते हो जहाँ पे आप ए पास करोगे ए बेसिकली हम लेते हैं लिनक्स टू एमेजोन लिनक्स टू आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो ए

जोन में आपको जो भी ऑर्बिट जोन आपको चाहिए वो आप कन्फिगुरेशन कर सकते हो बाई डिफॉल्ट हम नो no प्रिफ्रेंस दे रहे हैं एंड उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं की टाइप सॉरी की नेम सो की नेम है बेसिकली एक्सएस एच यूज़ करने के लिए यूज होता है एक्सेस एच एक्सेस करने के लिए तो यहाँ पे आप आपको नई की भी आप जनरेट कर सकते हो या तो एग्जिस्टिंग अगर आपके पास कोई की है तो उसको कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में ई बी एस के कॉन्फ़िगरेशन है लॉन्चिंग के टाइम आपको उसको अटैच करना है ये कोई स्नैपशॉट आपने रखा है तो उसको आपका अटैच कर सकते हो या नया बना सकते हो उसको कॉन्फ़िगरेशन करना है इंक्रीप करना है आपको रूट वॉल्यूम वो भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो तो उसको अभी हम स्कीप कर रहे आ, कितने इंस्टेंस आपको लॉन्च करने हैं उसकी कैपेसिटी वन या वन से ज़्यादा इंस्टेंस लॉन्च करने है तो आप वो चेंज कर सकते हो यहाँ के मिनिमम वन होना चाहिए एंड देन यहाँ पे रिक्वेस्ट डिटेल है अप्लाई सो हमने यहाँ पे वर्कलोड चूज़ किया है मैं जस्ट चेंज कर रहा हूँ फ्लेक्सिबल वर्कलोड जहाँ से अपने को स्पॉट फ्लिट का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा क्योंकि वर्क लोड फिक्स स्पॉट ब्लॉक के अंदर स्पॉट फ्लिट नहीं मिलेगा क्योंकि uh, वहाँ पे स्पॉट ब्लॉक के अंदर फिक्स ड्यूरेशन रहता है uh, तो स्पॉट फ्लिट के लिए आप सेटिंग्स रहता है उसको कौन सा सेटिंग करना है तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है जहाँ पे कैपेसिटी ऑप्टिमाइज है एंड जैसे आपको अनचेक करोगे तो आप यहाँ पे कन्फ्योगेशन यूज़ कर सकते हो यहाँ पे इसके जो आपने फिल्टर जो रखा है मतलब जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से यहाँ पे जो अभी करंट इंस्टेंस के अंदर मतलब करंट पूल के अंदर 18 इंस्टेंस अवेलेबल है तो यहाँ पे हम उसको चेंज कर सकते हैं इंस्टेंस टाइप जैसे मैं जब A1 मीडियम करना है तो मतलब ए मीडियम यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा तो उसके हिसाब से यहाँ पे चेंज हो जाएगा उसको आप ऐड कर सकते हो या भी आप उसके कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हो जैसे मैंने चेंज किया तो यहाँ पे स्पॉट प्लेट वीक है मतलब से सिक्स इंस्टेंस ही अवेलेबल है तो जब जैसे कि आपका जो इंस्टेंस है उसके हिसाब से यहाँ पे वो पुल के हिसाब से आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है तो मतलब कितने पुल्स अवेलेबल है सो तो आप वो चेंज कर सकते हो यहाँ से स्पॉट इंस्टेंस टाइप में जैसे हमने बोला तीन टाइप ऑफ ऑप्टिमाइज स्ट्रेटजी रहता है कैपेसिटी ऑप्टिमाइज लोएस्ट प्राइस एंड डाइवर्सीफाइड तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो लोएस्ट uh, कैपेसिटी के लिए कैपेसिटी लोएस्ट के लिए लोएस्ट एंड डाइवर्सीफाइड के लिए आपको कितने पुल में आपको चूज करना है एडिशनल uh, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ पे अप्लाई डिटेल्स के अंदर आप ए सी टू इंस्टेंस फ्लिट के लिए रोल दे सकते हो डिफ़ॉल्ट रोल यूज कर सकते हो यहाँ पे आप या तो कोई भी रोल यूज नहीं करना तो भी आप कर सकते हो एंड ये दूसरे कॉन्फ़िगरेशन है जो अभी हम एडवांस लेवल पे उसको हम स्कीप करें लोड बैलेंसिंग कॉन्फ़िगरेशन भी है स्पॉट जिसे हमने चेंज किया तो यहाँ पे उसका वीक स्टैंड दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे सिक्स इंस्टेंस पुल ही रहता है एंड रेस्ट इज आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एस्टिमेशन जो प्राइजिंग है वो आपको दे रहा है कि आपने कितना सेव किया मतलब ये कन्फ्यूगुरेशन से आपको कितना सेव मिलेगा विथ कंपेरिटिवली ऑन डिमांड सो सिक्सटी सेवन परसेंट यहाँ पर सेविंग रहता है जैसे आप लॉन्च कन्फिगरेशन करोगे तो आपका इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा एंड उसके बाद बेस्ड ऑन आपके बेड वहाँ पर आपको इंस्टेंस अलोकेट होगा तो ये था स्पॉट इंस्टेंस का कन्फिगरे एंड स्पॉट इंस्टेंस कैसे कन्फिगर करते हैं स्पॉट फ्लिट कैसे कन्फिगर करते हैं